गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना रिलेशन। देखिए, रिलेशन बनाने के लिए दो सेट्स हमको रिक्वायर्ड है। आप वैसे भी जानते हैं जनरली रिलेशन बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, ऐसे यहाँ पर दो सेट्स की ज़रूरत होती है। तो फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशन, सबसे पहले हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। दिस इज रीड एज ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। एंड दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट is the collection of all ordered pair AB such that first element belongs to the first set and second element belongs to the second set। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जहाँ पर पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन के लिए, सपोज लेट सेट ए कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स 1, 2, 3, एंड सेट बी में हमारे पास केवल दो एलिमेंट हैं ए एंड बी। तो जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है ए का बी के साथ, वो सब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे। वी डिफाइन ए क्रॉस बी, तो डेफिनेशन से पहला एलिमेंट पहले सेट का आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का आएगा। सो इफ वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट इज कलेक्शन ऑफ पहले सेट का पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट लेना है 1, a, फिर 1 का पॉसिबिलिटी बी के साथ, 1 को बी के साथ कनेक्ट करेंगे, 2 इज कनेक्टेड विथ ए, ऑल्सो 2 इज कनेक्टेड विथ बी, 3 इज कनेक्टेड विथ ए एंड 3 इज कनेक्टेड विथ बी। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स। सिमिलरली बी क्रॉस ए, यदि आप बी क्रॉस ए डिफाइन करोगे तो पहला एलिमेंट सेट बी का लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट ए से लेंगे। सो नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, a1 a2, ए तीनों के साथ कनेक्ट होगा, a3, एंड सिमिलरली b1 b2 b3। सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ हैव 6 एलिमेंट्स। सो ओवरऑल जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं आप देखोगे, तो जनरली नोट में आप ये देखिए प्रॉपर्टीज लिखेंगे, नोट करना। फर्स्ट नोट, ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दीज कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज 1a एंड a1 आर नॉट इक्वल। दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होने के लिए ये डेफिनेशन है, ऑर्डर पेयर का इक्वल तभी होंगे जब पहला एलिमेंट पहले सेट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। सो चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू ए और ए इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफोर दीज ऑर्डर पेयर आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड देयरफोर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दूसरी बात जो आपने यहाँ पर देखी, इफ सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट, सेट बी कंटेन्स 2 एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, 3, 2, 6। सो सिमिलरली ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यदि सेट ए में m एलिमेंट है एंड सेट बी कंटेन्स n एलिमेंट, देन ऑर्डर ऑफ सेट ए क्रॉस बी और ऑर्डर ऑफ सेट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू mn। तो ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में एम एन एलिमेंट आएंगे। आप देखो ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट हैं, बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट हैं। तो वैसे तो जनरली ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एंड फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशन, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Without this, आप define नहीं कर सकते relation. So now we will start the definition of relation. Is there any doubt?
चलिए ठीक है. सो फर्स्ट वी डिस्कस रिलेशन एंड देन फिर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी वो अपन लेंगे. तो सबसे पहले हियर वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. अगेन देखिए, रिलेशन के लिए हमको दो सेट्स रिक्वायर्ड है. तो इफ ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन फ्रॉम ए टू बी रिलेशन क्या होता है. सो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ए रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. इतना सा डेफिनेशन है बस. ए से बी पर एक रिलेशन ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स वाले सेट के जो सबसेट्स आएंगे, एवरी सबसेट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने सेट ए में तीन एलिमेंट लिया था 1, 2, 3, और सेट बी में वी टेक टू एलिमेंट्स, सॉरी सेट बी में वी टेक टू एलिमेंट्स ए एंड बी. सो आपने ए क्रॉस बी बनाया था. ए क्रॉस बी में 6 पॉसिबिलिटीज आई थी. 1 ए से कनेक्ट किया, 1 बी से कनेक्ट किया, 2 ए से कनेक्ट किया, 2 बी से कनेक्ट किया, एंड सिमिलरली 3 इज कनेक्टेड विद ए, 3 इज कनेक्टेड विद बी. सो ए क्रॉस बी में देयर आर 6 एलिमेंट्स. सो द ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी आपने अभी निकाला था तो ये था 6. सेट ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट, और ये 6 एलिमेंट वाले किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो ये होंगे 2 raised to the power 6. इफ अ सेट कंटेन्स एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to the power n. सो इफ ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, 2 raised to the power 6, मतलब 64 सबसेट्स होंगे. सो सिंस ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 6. और आपने बोला ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, देयरफॉर देयर आर 2 raised to the power 6 रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू सेट बी. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 raised to the power 6, 64 रिलेशन होंगे. यदि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए से बी पर आप 64 रिलेशन बना सकते हो. देयर आर 64 रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. आपको जब भी रिलेशन का डेफिनेशन पूछेंगे बस इतनी सी बात याद रखिए, इसमें सबका सार छुपा है. रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है, ये प्रीवियस बात में आपने देखा कि ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, और सिंस देयर आर 2 raised to the power 6 सबसेट, सो देयर फोर देयर आर 64 रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. एंड अभी ये जो आपने 64 रिलेशन निकाले, अभी इनको एक एक करके हम 64 रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं. इतनी बात में आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है 64. सो वी डिस्कस टू टॉपिक्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन. सो रिलेशन के लिए हमको दो सेट्स रिक्वायर्ड हैं. सेट ए चाहिए, सेट बी चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए. तो ए से बी पर देयर आर 64 रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, 64 रिलेशन. और आप जानते हैं कि जब भी हम सबसेट्स की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. यदि मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, ये कोई सेट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट्स होंगे 8, 2 raised to the power 3. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ
e is 2 power 3 which is 8. और इन सबसेट्स को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं. तो सबसेट्स आप कैसे बनाओगे? तो द फर्स्ट सबसेट इज नल सेट, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. नाउ उसके बाद हम सिंगलटन सेट बनाएंगे. सो देयर आर 3 सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3. सो चार तो ये बन गए. अभी दो दो लेके आपने बनाना है. तो 1 के साथ 2 का पेयर करेंगे, 1 को 3 के साथ लेंगे एंड 2 इज टेकन बाय 3, टेकन विद 3 एंड नाउ तीनों ले लेंगे. सो 1 2 3 व्हिच इज इक्वल्स टू आवर सेट ए. सो नाउ दीज आर दी 8 सबसेट्स. सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उसके 8 सबसेट होंगे. ये हैं वो 8 सबसेट. चूंकि ये कहलाता है नल सेट एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और आप जानते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये अपना गिवन सेट है सेट ए. तो ये जब भी आप किसी सेट के सबसेट बनाएंगे तो उसमें ये सबसेट बनेंगे, और हमेशा नल सेट एक सबसेट उसका जरूर होगा, और ए भी जो गिवन सेट है वो खुद भी अपना एक सबसेट होगा. सो ये दो हमेशा हमको आपको सबसेट मिलेंगे. और आप जानते हैं सेट थ्योरी से कि इन दो सबसेट्स को आप बोलते हैं, ये दो सबसेट्स जो हैं वो आपके कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स. दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट्स. ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं. और जो बाकी के बचे हुए बीच के आपके 6 हैं, दीज आर कॉल्ड दी प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स. तो जैसा सेट थ्योरी में इनका नाम इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट है. अभी आप रिलेशन जब पढ़ रहे हैं तो रिलेशन में भी आपने बोला किसी सेट के जो सबसेट होंगे उसको हम रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. सो रिलेशन जब आप बनाएंगे, मतलब सबसेट्स आप बनाएंगे, तो सबसेट्स में ये भी दो सबसेट बनेंगे. तो रिलेशन की थ्योरी में दिस फाई इज कॉल्ड, ये जो नल सेट आप जिसको बोलते हो सबसेट की थ्योरी में, इसको हम वहाँ बोलेंगे दिस इज नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन. दिस इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन. एंड दिस सेट ए जो कि यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट है रिलेशन की थ्योरी में, इसको आप बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये तो हमने डिफाइन कर लिए. जैसे अभी आपने पढ़ा था कि एक बार फिर से अपन ले लेते हैं इसमें. देखिए ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट 2 power 3 बनेंगे. कैसे बनाते हैं सबसेट वो आपको बताए. हमेशा सबसेट्स में 2 इम्प्रॉपर सबसेट बनेंगे, बाकी जितने बचे वो प्रॉपर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यदि सेट ए में 10 एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 raised to the power 10, 1024. और 1024 में ये दो जो हैं फाई और वो सेट खुद, ये इम्प्रॉपर होगा, बाकी के सब जो हैं वो प्रॉपर होंगे. मतलब 1024 सबसेट में से देयर आर 2 इम्प्रॉपर सबसेट एंड 1022 आर प्रॉपर सबसेट्स. ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको क्लियर हुआ. और अब इसके बाद ओपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बात पे, विच इज व्हाट, कि हमने आपको बोला था कि इफ वी टेक सेट ए में हमने 3 एलिमेंट लिया था, सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स ए बी, देन ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स जो कि 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 2 comma a, 2 comma b, 3 comma a और 3 comma b. सो दीज आर दी 6 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी. इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 raised to the power 6. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी is 2 power 6 which is 64. 64 रिलेशन बनेंगे ए से बी पर. देयर आर 64 सबसेट बनेंगे एंड एवरी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. सो देयर आर 64 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और इन रिलेशन में ए क्रॉस बी का एक सबसेट फाई बनेगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट ए क्रॉस बी खुद बनेगा. तो इनमें जो सबसेट आपका फाई बनेगा दिस इज कॉल्ड impossible relation or it is called or called void relation. It is called void relation.
एंड ए क्रॉस बी भी खुद एक सबसेट होगा, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सो यदि सेट ए में तीन एलिमेंट हैं, सेट बी में दो एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में छह एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी के 64 सबसेट बनेंगे, 64 सबसेट में से एक सबसेट फाइव बनेगा, ए क्रॉस बी भी खुद एक सबसेट बनेगा। इन दो को हम बोलेंगे यहाँ पर वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। बाकी जो बचे हुए 62 रिलेशंस हैं, बाकी बचे हुए जो 62 सबसेट्स हैं, इनका नामकरण, इनको हम कैटेगराइज अगली वीडियो में करेंगे।